बड़ी खबर आ रही है जहां पीएम मोदी ने ईद मिलादुन नबी के पर्व पर सभी देशवासियों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा है, सद्भाव और एकजुटता हमेशा बनी रहे। पीएम मोदी ने आज ईद मिलादुन नबी की सभी देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि सद्भाव और एकजुटता हमेशा बनी रहे। आपको बता दें, बड़ी खबर है, पीएम मोदी ने ईद मिलादुन नबी की शुभकामनाएं दी हैं देशवासियों को। प्रधानमंत्री ने सोमवार को मिलादुन नबी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और सभी के लिए सुख एवं समृद्धि की कामना की है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट कर सभी को ये ईद की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है, ईद मुबारक, मिलादुन नबी के अवसर पर शुभकामनाएं, सद्भाव और एकजुटता हमेशा बनी रहे, चारों ओर सुख समृद्धि हो। बता दें, ईद मिलादुन नबी इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने रबी अल अव्वल की 12वीं तारीख को मनाया जाता है, जिस अवसर पर पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को इसकी शुभकामनाएं दी हैं। यह एक विशेष इस्लामिक त्यौहार है। इस्लाम धर्म में ईद मिलादुन नबी का त्यौहार पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें, ईद मिलादुन नबी का त्यौहार पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मुस्लिम समाज के अनुयायी मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करते हैं। आपको बता दें, इस अवसर पर पीएम मोदी ने ईद मिलादुन नबी की सभी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट के जरिए सभी को ईद मुबारक कहा है। पीएम मोदी ने देश में सद्भावना की बात की है। उन्होंने कहा है कि एकता देश में एकता और सद्भाव बना रहे। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने ईद मिलादुन नबी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी, सभी के लिए सुख एवं समृद्धि की उन्होंने कामना की है। पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को ईद की बधाई दी है। आपको बता दें कि ईद का त्यौहार पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन इस्लाम के अनुयायी मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करते हैं। आपको बता दें, ये मिलादुन नबी इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने में रबी अल अव्वल की 12वीं तारीख को मनाया जाता है।